स्थायी नीति और SS की तर्ज पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की मांग को लेकर जिला स्वास्थ्य समिति अनुबंधित कर्मचारी संघ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चंबा काफी लंबे समय से संघर्षरत है। इसी संबंध में कर्मचारियों द्वारा फरवरी माह में हड़ताल की गई थी, जिसके बाद सरकार द्वारा उनके लिए नीति बनाने की बात कही गई थी, लेकिन आज दिन तक उनके लिए नीति नहीं बनाई गई है, जिसको लेकर जिला स्वास्थ्य समिति अनुबंधित कर्मचारी संघ के प्रधान नरेंद्र ने विरोध जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सरकार अगर कर्मचारियों के लिए नीति नहीं बनाती है तो वह एक बार फिर से संघर्ष की राह अपनाने को मजबूर हो जाएंगे। मैं नरेंद्र कुमार, अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति अनुबंध कर्मचारी संघ चंबा, आज अपनी 20-25 वर्षों से जो हमारी समस्याएं चली आ रही है उसको मैं एक बार फिर आपको अवगत करा दूं कि हमारे साथियों ने कई बार भिन्न भिन्न मंचों पर अपनी समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाया है और जब सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हमारे कर्मचारी साथियों ने हमने मिलकर जो है वो सरकार के समक्ष एक विरोध प्रदर्शन किया। सरकार ने हमारी बात को समय रहते सुना, हमारे लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें हमें ये कहा गया कि सर्वशिक्षा अभियान की तर्ज पर जो है हमें जो लाभ दिए जाएंगे और हमें एक कमेटी के रूप में लाभ देने के लिए सरकार ने हमारा सहयोग किया। कमेटी को बनाने के लिए 3 महीने का समय हमसे मांगा गया था, हमने 3 महीने का समय सरकार को और विभाग को दिया और हम बड़ी ही मतलब कि आज निराशा के साथ कहने जा रहे हैं कि 1 महीना हो चुका है, 3 महीने समाप्त हुए। 8 मई को जो 3 महीने समाप्त हो चुके थे उसके बावजूद जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सरकार को पेश करनी थी वो विभाग ने अभी तक सरकार तक नहीं पहुंचाई है, वो विभाग में ही हमारी जो स्वास्थ्य विभाग में पड़ी हुई है। हम संगठन की ओर से कई बार हमने स्वास्थ्य मंत्री से भी आवाज़ उठाई, मुख्यमंत्री हाल ही में हमारे जब चंबा दौरे पर आए तो हमारे चंबा इकाई मुख्य चंबा के विधायक महोदय के सहयोग से मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आपका कार्य जल्दी ही किया जाएगा और हमारे ध्यान में है। अभी 2 दिन पहले हमारी राज्य कार्यकारिणी स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मिली, उन्होंने भी कहा कि हम जल्द करेंगे, लेकिन जल्द के चक्कर में आप इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे कर्मचारी कितनी निराश हो रहे हैं, क्योंकि 3 महीने का जब कमेटी ने हमारे से समय मांगा, 3 महीने समाप्त हुए तो उसके बावजूद 1 महीना और होने को आ रहा है, आगे 1-2-3 महीने के बाद आचार संहिता भी आ रही है, तो कर्मचारी साथी अपने आप को धीरे धीरे जो है वो निराशा की तरफ जा रहा है और ठगा सा महसूस कर रहा है। हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय जो कर्मचारी हितैषी हैं, उन्होंने खुद अपील की है कि कर्मचारियों को संघर्ष की राह पर जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मसले उठाइए और हमें दीजिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री महोदय हमारी बात को सुनेंगे और स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने भी हमें आश्वासन दिया है। जब मुख्यमंत्री महोदय चंबा हमारे दौरे पर आए तब मिले, हमारे जिला कांगड़ा की इकाई जो है मुख्यमंत्री महोदय जब हमारे कांगड़ा के प्रवास पर आए तो हमारे राकेश पठानिया जी के नेतृत्व में हम उनसे भी मिले, हमें भरपूर सहयोग स्वास्थ्य मंत्री हो मुख्यमंत्री हो सबके सहयोग से मिल रहा है। हमारे जो NHM के जो स्वास्थ्य निदेशक हैं श्री हेमराज बैरवा जी, उन्होंने भी हमें पूरी उम्मीद बधाई है कि हम आपका ड्राफ्ट जो है तैयार करके सरकार को भेजेंगे और निश्चित रूप से कर्मचारियों को बेनिफिट दिए जाएंगे, लाभ दिए जाएंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सरकार का समय निकल जाए, आचार संहिता लग जाए और हम कर्मचारी ठगा सा ठगा महसूस करें। और हम आप सबके सहयोग से सरकार से एक पुनः अपील करते हैं कि हमारा कार्य जो जल्द से जल्द समय रहते किया जाए और हम तो गुजारिश ही अपील ही कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि कर्मचारी साथी जो है वो दुखी मन से कहीं फिर भड़क फिर जो पहले जो स्ट्राइक के स्ट्राइक पर हमारा कर्मचारी साथी गया था जो उन्होंने 1 और 2 फरवरी को पूर्ण रूप से कार्य रोक को स्ट्राइक की थी, कहीं ऐसा माध्यम हमारा कर्मचारी साथी ना उठाए। उससे पहले हम सरकार से गुजारिश करते हैं, हमारे कर्मचारी देशी मुख्यमंत्री से अपील करते हैं पुनः कि हमारे कार्य को समय रहते जल्द से जल्द किया जाए और कर्मचारियों को लाभ दिया जाए। हिमाचल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1700 कर्मचारी जो है वो कार्य कर रहा है। अभी हाल ही में सरकार ने कुछ नई नियुक्तियां जो है वो 350 के लगभग नई नियुक्तियां देने जा रही है और 2000 से ऊपर हमारा कर्मचारी हो जाएगा, लेकिन 20 वर्षों से जो कर्मचारी जो है वो अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है,
हम सरकार से अपील करते हैं कि विभाग को, स्वास्थ्य निदेशक को जल्द से जल्द आदेश दिए जाए कि इनकी जो वो प्रपोजल है, जो फाइल है हमारी, वो मंगवाए और हमें तुरंत जो हमें लाभ प्रदान करें। क्या मांगे आपकी मुख्य? मुख्य मांग हमारी ये है कि हमें जो वो नियमित किया जाए और जो सर्वशिक्षा अभियान के तर्ज पर जो हमें जो लाभ है, जैसे महंगाई भत्ता है, पूरा जो मतलब कि नियमित वेतन मान जो है हमें प्रदान किया जाए। हमारे कर्मचारियों ने, चाहे कोविड काल रहा है, भिन्न भिन्न प्रोग्राम, टीवी का प्रोग्राम है, सर्वशिक्षा जो भी प्रोग्राम है हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रोग्राम चले हुए हैं, सब में हमारे कर्मचारियों ने दिन रात एक करके अपना जो है वो मिशन मोड में अपना कार्य किया है। सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह के जो है इसमें से जो पुरस्कृत किया गया है, हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में चाहे टीवी है चाहे अन्य प्रोग्राम है, एक नंबर पर रहा है। सरकार दिल्ली तक हमारे स्वास्थ्य निदेशक जो है वो इसके लिए वाहवाही लूटने और नंबर वन का खिताब लेने गए हैं। हिमाचल की पीठ स्वास्थ्य विभाग के लिए अच्छे कार्य करने के लिए केंद्र सरकार ने भी थपथपाई है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय हमारा कार्य शीघ्र करें, इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं। ऐसा न हो कि कर्मचारी साथी पुनः भड़के और कई संघर्ष का रास्ता मजबूरन इख्तियार न करना पड़े, क्योंकि कोई भी कर्मचारी जो है वो संघर्ष के रास्ते पर नहीं जा सकता है, नहीं जाना चाहता है, लेकिन अगर मजबूरन हुआ, अगर सरकार अगर मजबूर करेगी, कोई सारे रास्ते अगर बंद हुए, कोई रास्ता ना छूटा, तो मजबूरन हमें ये कार्य भी करना पड़ सकता है।